नमस्कार, ओपन अप बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। डाउनलोड करें ओपन अप ऐप, इंडिया का बिजनेस सोशल नेटवर्क। बैंकों के कर्ज के बोझ तले दबे अनिल अंबानी अब कर्ज से मुक्ति के लिए अपनी प्रॉपर्टीज को बेच रहे हैं। लास्ट वीक ही रिलायंस ग्रुप की एक बड़ी म्यूचुअल फंड की कंपनी रिलायंस निपो असेट मैनेजमेंट के एक बड़े हिस्से को बेचने की न्यूज आई थी। अब न्यूज आई है कि रिलायंस ने अपने रेडियो बिजनेस की कंपनी रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क को भी बेचने का फैसला लिया है। इसके लिए म्यूजिक ब्रॉडकास्ट लिमिटेड MBL और रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क RBN के बीच अग्रीमेंट हुआ है। इस अग्रीमेंट के हिसाब से जागरण प्रकाशन के ओनरशिप वाली म्यूजिक ब्रॉडकास्ट लिमिटेड अनिल अंबानी की रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क RBN के FM चैनल बिग FM के 40 स्टेशन खरीदेगी। यह डील 1,050 करोड़ रुपए में हुई है। हम आपको बता दें कि म्यूजिक ब्रॉडकास्ट लिमिटेड का फेमस ब्रांड रेडियो सिटी है, जो कि अभी देश भर में 39 स्टेशन से ऑपरेट होता है। वहीं बिग FM 58 स्टेशनों से ऑपरेट होता है। इस डील के तहत रेडियो सिटी बिग FM के 40 स्टेशनों को एक्वायर करेगा। बचे हुए 18 स्टेशनों को रेडियो सिटी एक्वायर इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये स्टेशन जिन शहरों में है वहाँ रेडियो सिटी का पहले से ही एक स्टेशन है। MBL और RBN की डील के बाद रेडियो सिटी देश का सबसे बड़ा प्राइवेट रेडियो स्टेशन बन जाएगा, जिसके पास देश के 69 शहरों में 79 रेडियो स्टेशन होंगे। डील के बाद रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क म्यूजिक ब्रॉडकास्ट लिमिटेड का हिस्सा बन जाएगी। MBL ने अपने एक बयान में संकेत दिए हैं कि रेडियो सिटी अपने साथ बिग FM को इंक्लूड नहीं करने जा रहा, बल्कि बिग FM को कंपनी पहले की तरह ही बिग FM के नाम से ही संचालित करेगी। वहीं अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप इस डील से मिले पैसों का इस्तेमाल कर्ज उतारने में करेगा। रिलायंस कैपिटल के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अमित बापना ने बताया कि रिलायंस निपो एसेट मैनेजमेंट के हिस्से बेचने पर मिले 6,000 करोड़ रुपए और रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की डील से मिले 1,050 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी का कर्ज उतारने में किया जाएगा। कंपनी ने करंट फाइनेंशियल ईयर में अपने कुल कर्ज का 70% चुकाने का लक्ष्य रखा है। अब देखना यह होगा कि क्या ऐसे अपनी प्रॉपर्टीज बेचने से अनिल अंबानी का रिलायंस ग्रुप अपना अस्तित्व बचा पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे प्रॉपर्टी बेचकर कर्ज चुकाना एक समझदारी वाला डिसीजन है? क्या अनिल अंबानी को अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी के साथ मिलकर इन कंपनीज को फिर से चलाना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहें ओपन अप बिजनेस चैनल के साथ। डाउनलोड करें ओपन अप ऐप, इंडिया का बिजनेस सोशल नेटवर्क।